गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है डीएस साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। जैसा कि हम आपको वन वीक से टेन अप्रैल से समझाते हुए आ रहे हैं, क्रिएशन नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको समझाई, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी ऑपरेशन हमने आपको समझाए, और फिर उसके बाद रेशियो और डिनोमिनेटर आपको समझाया। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी मेहनत घर पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट वीडियो ही नहीं समझ रहे हैं, घर पर वीडियो देखते ही नहीं है और डायरेक्ट होमवर्क देखते हैं, सर ने होमवर्क क्या दिया है, फिर होमवर्क करने बैठते हैं, वो होता नहीं है उससे। आपकी ड्यूटी है कि आप ठीक से सबसे पहले जो वीडियो में समझाया जा रहा है उसको ठीक से समझें, जब वो समझ में आ जाए तब फिर हमारे द्वारा दिया गया होमवर्क आप ठीक से करें समझ करके आगे समय, तब तो पढ़ने का है फायदा। और आप उल्टा सीधा होमवर्क करके ये लो सर के लिए होमवर्क कमिट करके हमें भेज दिया, फोटो खींचा भेज दिया, समझा कुछ है नहीं है, होमवर्क करके भेज दिया, किसी एक बच्चे ने होमवर्क डाल दिया, उससे नकल करके चीटिंग करके अपनी कॉपी बनाई और ये भेज दिया सर, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसमें आप अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हो। मेरा सुझाव यही है, अगर आप ठीक से पहले वीडियो को देखें समझें और फिर अपना वर्क स्वयं बगैर हेल्प के करें। कहीं कुछ समझ नहीं आता है हम समझाएंगे आपको, आप हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अपन ने लास्ट में यही डिसीजन लिया है कि हम आपको एडिशन फिर से समझाने जा रहे हैं। जब तक प्रत्येक स्टूडेंट सही से रेस्पॉन्स नहीं देगा हम अपना सिलेबस आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जिन बच्चों की समझ में आ गया है वो यही क्वेश्चन फिर से रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे, और जिनकी समझ में नहीं आया वो नए सिरे से समझेंगे। तो आप समझिए फिर से ऐड कैसे करते हैं। एडिशन हमने पहले दिन बोला था फर्स्ट डे कि आपको ऐड करना नहीं आता है। कल भी मैं देख रहा था एक बच्चे ने पूछा कहा था आपने ऐड कीजिए और वो मल्टीप्लाई करने लग गए यहाँ पर। तो देखिए ऐड कैसे करते हैं एडिशन में, इसका जो सोल्यूशन होगा add 2 root 3 plus 3 root 2 add root 2 minus 3 root 3 into add करना है, add करने के लिए जहां पर end लगा है वहां पर plus का sign लगा देंगे, जैसे मैं कह दूं add 2 add 3 इसका मतलब 2 plus 3 is equal to 5, add 7 plus 9 it means 7 plus 9 is equal to 16, इस तरह हमें इनको add करना है, add करने के लिए जहां पर end लगा है वहां पर plus का sign लगा देना है। end के place पर क्या जाएगा plus root 2 minus 3 root 3, जैसी टर्म थी सेम नोट कर ली, जहां पर एंड था हमने लगा दिया प्लस। अब ऐड कैसे करें, सबसे पहले लाइक टर्म एक जगह कीजिए आप, इसमें देखिए 2 root 3 और ये 3 root 3 ये दोनों लाइक टर्म हैं, ये दोनों क्या है लाइक टर्म के, यहां भी रूट के अंदर 3 है वहां भी 3 है, दोनों का इंडेक्स भी इक्वल है, यहां भी 2 है वहां भी 2 है, इन दोनों टर्म को एक जगह लिख लीजिए यहां पर 2 root 3 minus 3 root 3 दोनों लाइक टर्म, वैसे ये दोनों लाइक टर्म है 3 root 2 और प्लस रूट 2, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज तब होता है जब बीच में इक्वल होता है इक्वेशन में और लेफ्ट साइड से राइट साइड पर कोई टर्म जाती है या राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आती है तब साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, अपने ही रीजन में है ये, जो प्लस था प्लस ही रहेगा माइनस था माइनस रहेगा, हमने लाइक टर्म एक जगह नोट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है, ये जो लाइक टर्म है इसमें से हम रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं, इसमें रूट थ्री कॉमन है या नहीं बताइए, रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या रह जाएगा 2 minus 3, जो कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, रूट थ्री से 2 root 3 को डिवाइड करेंगे ऐसे 2 root 3 अपॉन रूट थ्री, तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 रह जाएगा, अगर 2 आ गया यहाँ पर, और अब 2 ये यहां से रूट थ्री जब कॉमन लिया 2 बचा माइनस आ गया, रूट थ्री यहाँ कैंसिल हो गया और नीचे आ गया, फिर प्लस का साइन, इसमें क्या कॉमन है रूट 2 कॉमन है ना, रूट 2 कॉमन, क्या बचा 3 प्लस 1, रूट 2 से रूट 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इज इक्वल टू ये रूट 3 आ गया, 2 में से 3 माइनस हुआ क्या आएगा माइनस 1, प्लस और माइनस में जो टर्म लार्जर होती है उसका साइन साथ में आता है, 2 माइनस 3 अपोजिट साइन सबट्रैक्ट होते हैं और सेम साइन ऐड होते हैं, याद रहे जैसे प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये सभी को लर्न होगा, सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन सबट्रैक्ट होते हैं, और ऐड और सबट्रैक्ट करते समय जो टर्म लार्जर होती है बड़ी होती है उसका साइन साथ में आता है, जैसा कि यहाँ पर 2 माइनस 3 ये प्लस है वो माइनस है, तो क्या होगा माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइन है माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस की टर्म लार्जर है, 3 और 2 में 3 बड़ा होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस का टर्म बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 क्या माइनस 1 और प्लस रूट 2 और ये 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया, इज इक्वल टू
इसकी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये क्या आ गया माइनस रूट थ्री प्लस फोर रूट टू, और ये हो गया इसका आंसर। इस तरह इसे हम ऐड करते हैं। ऐड करना समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।